तो हमारे को सामान चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक क्लीन बाउल लेना है। आप जो भी चीज़ यूज़ करें उससे पहले प्लीज़ उसको एक बारी क्लीन कर ले अच्छे से, ताकि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि हम भी अपने फेस के लिए ले रहे हैं, और फेस के लिए हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो जब भी आप फेस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको एक बारी जरूर क्लीन कर लीजिए। एक स्पून लिया है मैंने, और इसके अंदर मैं ले रही हूँ रोज़ वाटर। आपको जितना भी है वैसे एक स्पून चाहिए है रोज़ वाटर का। और दूसरा जो है इसके अंदर लेना है एलोवेरा। एलोवेरा भी सेम क्वांटिटी लेंगे हम लोग, 1 स्पून की। अगर आपके पास रेडीमेड नहीं है तो आप इसको दूसरा वाला एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। इसको हम अच्छे मिक्स करेंगे, और इसके अंदर डालेंगे हम लोग लेमन का इसेंशनल ऑयल। अगर आपके पास लेमन का इसेंशनल ऑयल नहीं है तो आप इसके लिए लेमन की 2-3 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लेमन का इसेंशनल ऑयल। ये हमारा जो फेस सीरम है ये हो गया है रेडी। अब आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो हमने इसकी एक बिल्कुल सिंपल सी थिन सी लेयर अपने फेस के ऊपर अप्लाई करनी है। और आप देखेंगे कि जो आपकी ऑयली स्किन है वो एकदम से ड्राई हो गई है, और आपको एक अच्छी लुक भी दे रही है। तो इस तरह से इसको जो मैं अप्लाई कर रही हूँ वो मैं करूँगी कॉटन से। इसके अंदर हम लोग इसको अच्छे से कर लेंगे डिप, और इसकी एक थिन लेयर ही हमारे को अपनी फेस पे बनानी है। और जब ये ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। आप अपने आप में देखेंगे कि आपको कितना डिफरेंस लग रहा है। आई होप आपको मेरा ये जो वीडियो है ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप उसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट के थ्रू बताइए।